हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो होटल बिजनेस में अपना काम करती है, और इसके ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में 1,05,000 से भी ज़्यादा होटल्स अभी के टाइम पे अवेलेबल है। उसके पास बहुत सारी कैटेगरीज की होटल्स है, 3 स्टार 5 स्टार, और इसकी जो होटल रूम्स की जो कैपेसिटी है वो एनुअली 6% से भी ज़्यादा के स्तर से बढ़ रही है ऑन अ ईयरली बेसिस। और इसकी जो होटल रूम्स की जो डिमांड है मार्केट में वो भी ऑलमोस्ट 11% से ज़्यादा अभी हो चुकी है, और अप्रोक्सीमेटली इसके 5 स्टार होटल में ऑलमोस्ट 250 से 300 रूम की इसकी कैपेसिटी है। और इसके मार्केट में बहुत सारी सब्सिडरीज है, उसके थ्रू इसका बिजनेस होता है। उसके अंदर एक जो नाम आपने सुना होगा वो है ताज होटल। तो हाँ, आज हम एनालिसिस करने वाले हैं इंडियन होटल की कंपनी का एनालिसिस करने वाले, उसके फंडामेंटल्स, उसके टेक्निकल्स, उसकी सब्सिडरीज, बिजनेस किस तरह से काम कर रहा है, कौन से रैंक आता है, उसकी क्या क्रेडिटेबिलिटी है मार्केट में, उन सब चीज़ का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने डेली स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके सामने कोई भी कंपनी हो, आपको अगर उसमें निवेश करना हो फॉर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, तो आपको पता चल सके कि आपको उस कंपनी में अभी सही टाइम में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं इंडियन होटल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में, दैट इज इंडियन होटल की कंपनी का एनालिसिस करेंगे कि वो कौन से काम में, कौन से बिजनेस में अपना पैसा निवेश करती है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला, इंडियन होटल्स एक होटल कंपनी जो शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन एक्टिविटीज और रेस्टोरेंट्स या मोबाइल फूड सर्विस एक्टिविटीज होती है उसमें टोटली एंगेज है। बहुत सारे 3 स्टार होटल्स, 5 स्टार होटल, उन सब में इसका जो बिजनेस है वो बहुत ही बड़े स्तर पर अभी हो चुका है। और एनुअली, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि एनुअली 6% से भी ज़्यादा के परसेंटेज ग्रोथ रेट इसमें यह कंपनी में इसको देखने को मिल रही है, और इसकी मार्केट में बहुत सारी सब्सिडरीज भी है, तो उसके कारण हम बोल सकते हैं कि इन फ्यूचर ये बहुत ही बड़ा बिजनेस हो सकता है। अब हम कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इस शेयर का, इंडियन होटल का मार्केट कैपिटलाइजेशन है हालांकि 13,515.92 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दैट इज़ नंबर ऑफ शेयर्स को अगर आप करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसका आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल जाएगा, दैट इज़ मोर देन 10,000 करोड़ रुपीज़। दैट इज़ बहुत ही अच्छी बात है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही अच्छा है इस शेयर का। और सेकेंड बुक वैल्यू इसकी है ऑलमोस्ट अभी 43.07 रुपीज़। दैट इज़ इंडस्ट्री को अगर आप इस शेयर के पी से अगर कंपेयर कर, दैट इज़ इंडस्ट्री का पी है ऑलमोस्ट 27.62, और इस शेयर का पी रेशो ऑलमोस्ट 30 के नियर बाय है इसका, जो कि प्रीमियम वैल्यूशन है ऑफकोर्स होटल इंडस्ट्री के मुकाबले। पर फिर भी ये शेयर की जो सब्सिडरीज है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा नामचीन है, लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं इन तरह की होटल्स में ज़्यादा आना। और बात कर ले इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू पीबी रेशियो भी इस शेयर का काफ़ी ज़्यादा है इसके सेक्टर के पीबी से, क्योंकि जो शेयर अभी आपको मिल रहा है वो प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात कर ले तो वो है ऑलमोस्ट फेस वैल्यू है 1 रुपीज़ की, उसके ऊपर 0.44 रुपीज़ का डिविडेंड यील्ड परसेंटेज है। हालांकि अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो आपको डिविडेंड यील्ड के पर्सपेक्टिव से नहीं, जबकि आपको बिजनेस जिस तरह से ग्रो कर रहा है उस पर्सपेक्टिव से आप इसमें निवेश करना चाहें तो कर सकते हैं। पर फिर भी अगर आपको अभी तक पी रेशियो और पीबी रेशियो का मतलब नहीं पता हो तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उधर जाके आप इसका मतलब देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कि कंपनी ने किस तरह से मार्केट में काम किया है। तो सबसे पहले 2017 में कंपनी ने लॉस जनरेट किया था, डेट इज -0.06,000 करोड़ रुपीज़ का लॉस जनरेट किया था। और रेवेन्यू अगर हम देखें तो रेवेन्यू हालांकि 2017 से लेकर 20 तक आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी के जो मार्केट में रेवेन्यूज है उसमें आपको इंक्रीमेंटल फेस आपको देखने को मिल रहा है। बट ऑलमोस्ट अगर हम इसको पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल इसने रेवेन्यू जनरेट किया था 4.64,000 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, उसके सामने इसने प्रॉफिट जनरेट किया था 0.28 करोड़ रुपीज़ का, 0.28,000 करोड़ रुपीज़ का इसने प्रॉफिट जनरेट किया था। बट इस साल पैंडेमिक सिचुएशन होने के कारण इस क्वार्टर, दो क्वार्टर से इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें आपको डाउन ट्रेंड ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि होटल्स वो सब अभी बंद है हालांकि अभी के सिचुएशन के हिसाब से। पर फिर भी इसने जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो आपको निकल कर आ रहा है 4.65 करोड़ रुपीज़, और प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में ज़रूर देखने को मिल रही है। बट फिर भी अगर पैंडेमिक सिचुएशन नहीं होती तो इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें आपको बहुत ही बड़ा अप ट्रेंड, माने कि 0.5,000 करोड़ रुपीज़ या 0.6,000 करोड़ रुपीज़ का आपको अप ट्रेंड देखने को मिल सकता था। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। तो इसकी टोटल प्रमोटर होल्डिंग्स है 40.75 और म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 22.11%।
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डर्स को इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है, इसलिए DLI की होल्डिंग है 30.35% और फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है इसके अंदर 10.49% और अदर पार्टिसिपेंट्स रिटेल इन्वेस्टर्स या अपन जैसे लोग जो इसमें निवेश करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए उसके अंदर इसका इन्वेस्टमेंट है 18.39%, जो कि बता रहा है कि कंपनी की जो भी प्रमोटर्स होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग है, बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव आपको इस तरह से देखने को मिल रही है। अभी हम इसका टॉप लाइन और बॉटम लाइन कंपेयर कर लेंगे, दैट इज रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेंगे, इसका सेल्स, अदर इनकम, इसकी सब्सिडी से जो भी इनकम जनरेट हुई है वो सबको अपन कंपेयर कर लेंगे। तो जो कि 2018 में कंपनी की जो सेल्स से जो नॉर्मल इनकम हुई थी वो थी 4103,000 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में भी बढ़कर 4512 करोड़ रुपीज़, और इस साल भी थोड़ी सी घटकर हो चुकी है 4463,000 करोड़ रुपीज़। जबकि अगर हम इसकी अदर इनकम देखें जो कि 2018 में थी 61 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 83 करोड़ रुपीज़, और इस साल फिर से बढ़कर हो चुकी है 132 करोड़ रुपीज़, जो कि टोटल इनकम को जड़े टॉप लाइन को इंडिकेट मतलब कंप्रेस करके बना था। टॉप लाइन 2018 में थी 4165,000 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में 4595,000 करोड़ रुपीज़, और ऑलमोस्ट इस साल बढ़कर हो चुकी है 4595,000 करोड़ रुपीज़। अगर हम इसके बॉटम लाइन, जो कि हर इन्वेस्टर्स को पता होगा कि कंपनी रेवेन्यू तो जनरेट कर रही है पर उसके सामने प्रॉफिट कितना जनरेट कर पा रही है वो इंपॉर्टेंट होता है कोई भी बिजनेस के लिए, तो वो 2018 में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था 63 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में हो गया था 244 करोड़ रुपीज़, और इस साल फिर से बढ़कर हो चुका है 350 करोड़ रुपीज़, जो कि सबसे अच्छी बात आपको अगर इसमें देखने को मिल रही है तो वो है टोटल एक्सपेंडिचर। कंपनी के जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो पिछले साल हुए थे 4000 करोड़ रुपीज़, और इस साल घटकर हो चुके हैं 3858 करोड़ रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसके कारण जो कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है उसमें आपको अप ट्रेंड देखने को मिला है। अभी हम इसके पर शेयर रेशियो कंपेयर कर लेंगे, तो पिछले कुछ सालों से तो उसके सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो है बेसिक EPS, दैट इज अर्निंग पर शेयर, कितने पे कितना परसेंटेज ऑफ, दैट इज कितने रुपए कंपनी इनको कमा के दे रही है उसके शेयर होल्डर्स को। तो वो था 2018 में 0.91 रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 2.41 रुपीज़, और इस साल फिर से बढ़कर हो चुका है 2.98 रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रेंड बता रही है। बात कर लें इसके बुक वैल्यू के बारे में, दैट इज डिडक्टिंग इट्स, अगर सारी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दे या एसेट्स को सेल ऑफ कर दे तो उसके थ्रू जो भी कंपनी की वैल्यू मार्केट में निकल कर आती है वो होती है कंपनी की बुक वैल्यू। तो उसमें भी आपको अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिला, 2018 में थी कंपनी की बुक वैल्यू 41.69 रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुकी थी 43.28 रुपीज़, और इस साल थोड़ा सा नीचे गिरकर हो चुकी कंपनी की बुक वैल्यू 43.06 रुपीज़, जो कि ज़्यादा भी डाउन ट्रेंड नहीं, अगर 42 या 41 से नीचे जाती तो उसमें आपको थोड़ा सोचने की दिक्कत पड़ सकती थी, पर फिर भी कंपनी की बुक वैल्यू भी बहुत ही अच्छा या पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है। अब हम इसके मार्जिन रेशियोज कंपेयर कर लेंगे, तो मार्जिन रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज मतलब क्या हो गया, कंपनी जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट मार्केट में जनरेट कर रही है उसके ऊपर इन कंपेरिजन टू इट्स नेट सेल्स कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न जनरेट करके दे रही है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, जो कि था 2018 में 17.84%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 20.23%, और इस साल फिर से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में इंक्रीमेंटल फेस देखने को मिला है और हो चुका है इस साल 24.64%, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। और बात कर ले ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज के बारे में, दैट इज अगर कंपनी के अंदर जो भी कैश फ्लो का सर्कुलेशन होता है, शॉर्ट टर्म्स जो भी पेएबल्स होते हैं वो कंपनी किस तरह से कर पा रही है, किसके परसेंटेज के हिसाब से कंपनी पे कर पा रही है, क्या स्पीड है कंपनी की, अगर आपको अगर वो ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज भी अगर आपको समझ लो इंक्रीमेंटल फेज में देखने को मिले तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है और इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है, जो कि 2018 में था 10.50%, 19 में बढ़कर हो चुका था 12.97%, और इस साल बढ़कर हो चुका है 15.58%। बात कर ले कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में, तो जो कि नेट प्रॉफिट कंपनी जितना भी परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट जनरेट करती है इन कंपैरिजन टू नेट सेल्स, तो वो आपको बताती है कंपनी कितना नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज ऑप्टेन कर पा रही है, अगर वो भी इंक्रीमेंटल फेज में हो तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। दैट वॉज 2018 में था 1.54%, 19 में बढ़कर हो चुका था 5.42%, और इस साल फिर से बढ़कर हो चुका है 7.85%।
कंपनी के रिटर्न रेशियो कंपेयर कर ले तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब क्या होगा, कंपनी की जितनी भी मार्केट में इक्विटी शेयर होल्डर्स है उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न उनको जनरेट करके दे रही है। इसका मतलब क्या होगा, कंपनी की समझ लो 1,00,000 इक्विटी शेयर होल्डर से उसने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया हो उसके ऊपर परसेंटेज ऑफ रिटर्न कंपनी कितना कमा के उनको दे रही है। तो वो एज ए पर्पज ऑफ एन इन्वेस्टर्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो वो भी आप देख सकते हैं कि 2018 में वो था 2.41%, 19 में बढ़कर हो चुका था 6.59%, और इस साल फिर से बढ़कर हो चुका है 8.13%। बात कर ले कंपनी के ROCE परसेंटेज, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर देख ले हम तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज कंपनी अपने बिजनेस में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस में उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न जनरेट कर पाती है। तो वो आपको बता दें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट वॉज 2018 में था वो था 1.26%, 19 में बढ़कर हो चुका था 7.80%, और इस साल थोड़ा सा नीचे गिरकर हो चुका है 7.23%, जो कि ऑल्दो बहुत ही अच्छा परसेंटेज कंपनी ROCE का मेंटेन कर रही है। बात कर ले कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज, दैट इज कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स अभी है हालांकि उसके ऊपर कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न कंपनी जनरेट करके दे रही है। तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि कंपनी के समझ लो मार्केट में 1 करोड़ रुपीज़ या 100 करोड़ रुपीज़ के एसेट्स मार्केट में है उसके ऊपर कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। फॉर एन इन्वेस्टर्स या कोई भी एनालिस्ट हो या कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हो वो ज़रूर ये रिटर्न ऑन एसेट्स परसेंटेज देखेगा, क्योंकि ये कंपनी के एसेट्स के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न जनरेट कर रही है वो बहुत ही अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो वो भी अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो बहुत ही अच्छी बात होती है। दैट वॉज 2018 में वो था 1.07%, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 2.99%, और इस साल फिर से बढ़कर हो चुका है 3.07%। अब कंपनी के लिक्विडिटी रेशियोस देख लेंगे तो लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो है करंट रेशियो। करंट रेशियो होना चाहिए 2:1 के फॉर्म में, जो कि करंट रेशियो कंपनी का बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन है। वो था 2018 में 0.88 के रेशियो में, जो कि 19 में घटकर हो चुका था 0.55, और इस साल फिर से कंपनी का करंट रेशियो है वो हो चुका है 0.76। अब हम बात कर लेंगे कंपनी के क्विक रेशियो के बारे में, तो क्विक रेशियो होना चाहिए 1:1 के फॉर्म में, अगर उससे ज़्यादा भी हो तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। पर फिर भी आपको जो ट्रेंड आपको क्विक रेशियो का देखने को मिल रहा है दैट इज़ इंडियन होटल का, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। दैट वॉज 2018 में वो था 0.81, 19 में घटकर हो चुका था 0.52, और पर फिर से 2020 में कंपनी का जो क्विक रेशियो है वो बढ़कर हो चुका है 0.71। अब हम कंपनी के लेवरेज रेशियोज कंपेयर कर लेंगे तो लेवरेज रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो निकल कर आ रहा है वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। कंपनी के जितने भी डेटर्स है उसके ऊपर कंपनी की कितनी इक्विटी है तो आपको बता रहा है डेट टू इक्विटी रेशियो डेट वॉज 2018 में वो था 0.56 के रेशियो में, जो कि 19 में घटकर हो चुकी है कंपनी के डेटर्स 0.4, और इस साल फिर से कंपनी का जो रेशियो है वो हो चुका है 0.53। बट ऑल द कंपनी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो मेंटेन सिचुएशन में है, वो आप ऐसा बोल सकते हैं। तो बात करें कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितनी भी कंपनी के डेटर्स है या जितने भी बॉरोवर्स हैं उसके ऊपर कंपनी को जो भी इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है उसके ऊपर कंपनी कौन से परसेंटेज में उनको पेमेंट कर पाती है वो आपको बता दें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो वो था 2018 में 1.60 के परसेंटेज में, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 3.08%, और इस साल फिर से घटकर हो चुका है 2.04% में। कंपनी के ग्रोथ रेशियो को अगर कंपेयर कर ले तो ग्रोथ रेशियो दैट इज कंपेरिजन टू नेट सेल्स दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न वो था 2018 में -0.68%, जो कि 19 में पॉजिटिव ट्रेंड में आकर हो चुका था 3.9%, और इस साल फिर से बढ़कर थोड़ा सा घटकर हो चुका है 3.54%। बात कर ले कंपनी की CAGR कंपेरिजन टू नेट प्रॉफिट, कंपनी जितने भी नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसके ऊपर कंपनी का क्या CAGR रहा है, तो वो हम देखेंगे 2018 में -43.31 था, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था और पॉजिटिव ट्रेंड में आकर हो चुका था 10.39%, और इस साल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वो बहुत ही अच्छी हुई है इन कंपेरिजन टू नेट सेल्स, तो वो हो चुकी है इस साल 61.57%, जो कि बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है।
अब कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेंगे कि कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया है मार्केट में, दैट इज कंपेयर टू 1920। तो कंपनी का रेवेन्यू हो चुका है, रेवेन्यू मार्क क्रॉस हो चुका है 4.96 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी का जो ईबीटा दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन परसेंटेज इन कंपेरिजन टू पिछले साल जो था वो 406 पॉइंट से बढ़कर हो चुका है 23.9%। और जो कंपनी का ईबीटा है दैट इज कंपनी ने पिछले साल इस साल बढ़कर हो चुका है 1100 करोड़ रुपीज़ का। और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कंपेरिजन करके बताया, कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट आपने जो निकाला था वो हो चुका है इस साल कंपेरिजन टू पिछले साल जो कि था 250 करोड़ के आसपास था, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 354 करोड़ रुपीज़। अब बात कर ले कंपनी के बारे में कि कंपनी कौन से रैंक में अभी स्टैंड करती है पूरे इंडिया में। तो जैसे कि ये रैंकिंग दी हुई है ब्रांड फिनेंस ने इंडिया 120 की रिपोर्ट के हिसाब से, इंडियन होटल्स वन ऑफ द लिस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन ब्रांड, और ताज ने रैंक्ड हुई है नंबर वन कंपनी। और जो ब्रांड की जो स्ट्रेटजीज है उसको रेटिंग दी गई है AAA+, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इंडियन होटल्स के बारे में कि जो होटल इंडस्ट्री में इनको जो रैंकिंग मिली है AAA+, जो कि तभी मिलती है जब कोई भी कंपनी अच्छी सर्विस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है, तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और लोग की जो परसेंटेज रेशियो है कि फिर से लोग अगर समझ लो आप एक बार एक होटल में गए तो फिर से आप उस होटल में फिर से जाते हो, तो वो रेशियो भी कंपनी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको बोला कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़कर हो चुका है 4.96 करोड़, और होटल्स के टोटल ऑपरेशनल और पाइपलाइन बिजनेस बढ़कर हो चुके हैं 200, और कंपनी जो ब्रांड वैल्यू है मार्केट में वो बढ़कर हो चुकी है 309 मिलियन रुपीज़। और कंपनी का नेट डेट टू ईबीटा जो परसेंटेज निकल कर आ रहा है वो है 1.74। और कंपनी के जितने भी रूम ऑपरेशनल पाइपलाइन है होटल्स नहीं रूम्स जितने भी हैं वो भी पिछले साल से इस साल बढ़कर हो चुके हैं 25,168 इवन इन द पेंडेमिक सिचुएशंस। बात कर ले कंपनी के मार्केट में टोटल इंडस्ट्री मतलब होटल सेक्टर में टोटल कितने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम रेडिस 2020 रिपोर्ट के हिसाब से तो वो अभी है 660। जो इंडियन होटल्स ब्रांड है उसके अंदर अभी टोटल कितने एम्प्लॉय हैं जो कि 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से अभी है 33,797। कंपनी के जितने फ्रंट लाइन जो भी रिटेंशन ग्रैब कर रही है वो अभी बढ़कर हो चुका है 85%। और जो भी कंपनी की जो भी बेनिफिशियरीज है मतलब जो भी CSR एक्टिविटीज कंपनी करती है उसके अंदर अभी तक 1,914 पीपल को कंपनी ने अफेक्ट किया है, जो कि मार्केट में बहुत ही अच्छी बात होती है। और कंपनी ने टोटल CSR एक्सपेंडिचर किया है अपने सोसाइटी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, या फिर कंपनी जो भी ब्रांड वैल्यू होती है उसको बढ़ाने के लिए जो कंपनी ने CSR एक्सपेंडिचर किया है वो है 7.56 करोड़ रुपीज़। बात कर ले कंपनी के स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशन के बारे में, तो टोटल कंजम्पशन ऑफ वाटर है 2044 लीटर। और जो भी गैस का जो ओमिशन होता है डेट इज स्पेसिफिक ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन होता है वो भी इस साल हो चुका है बढ़कर 30.97। कंपनी के करंटली मार्केट में 100+ लोकेशंस है जिसमें कंपनी अपना बिजनेस करती है, और रूम्स टोटल ऑपरेशनल हालांकि अभी के प्रेजेंट टाइम के हिसाब से हो चुका है 18,924। और होटल्स टोटल ऑपरेशनल बात करें तो वो है टोटल 158 पूरे इंडिया में, और बहुत सारी आउट ऑफ में भी अपनी कंपनी बिजनेस कर रही है। और ग्रुप का जो रेवेन्यू है इंडियन होटल्स के अंदर जो भी ब्रांड्स आती है उसका हम अभी डिस्कशन करने वाले इन फर्दर स्लाइड्स, तो वो भी बढ़कर हो चुका है 1 बिलियन रुपीज़। अब हम बात कर लेंगे टोटल कंपनी की कितनी ब्रांड्स हैं। तो अगर आप समझ लो इंडियन होटल्स कंपनी की बात करें, अगर आपको आप लग्जरी कस्टमर हो तो आप ताज में जाना प्रीफर करोगे, अगर आप नेम कलेक्शंस की अगर बात करें तो आप सिलेक्शंस में जाओगे, अपस्केल्स में विवांटा, लीन लग्जरी में जिंजर, सर्विस रिटेल में एक्सप्रेस के अंदर भी इनके पास बहुत सारी क्वालिटी द चैम्बर्स, एमआर, जीवा, FNB, खजाना, न्यू एंड नाउ, FNB के अंदर भी गोल्डन ड्रैगन, थाई पेविलियन और हाउस इन किंग, ऐसी बहुत सारी ब्रांड। और वॉल्यूम कैटरिंग भी अगर आप चाहते हो अपने बिजनेस के लिए या अपने कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए या शादी के लिए तो आप ताज सेट्स भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसी सब ब्रांड सब्सिडरीज इंडियन होटल कंपनी के अंदर अभी हालांकि प्रेजेंट टाइम में आती है।
बात कर ले कंपनी की हेल्दी रैंप अप, कंपनी की जो भी होटल्स है, रूम है मार्केट में 2020 के हिसाब से, जो कि पिछले साल थी कंपनी की टोटल होटल्स पूरे इंडिया में 179, जो कि इस साल बढ़कर हो चुके 200+, और रूम्स जो कि पिछले साल थे 22,231, जो कि इस साल बढ़कर हो चुके 25,168 रूम्स। और बात कर ले कंपनी की न्यू ओपनिंग, इस साल कंपनी के कितने नए रूम्स लॉन्च हुए, जो कि पिछले साल हुए थे 524, जो कि इस साल बढ़कर हो चुके 1,565 नए रूम लॉन्च किए गए ये कंपनी के द्वारा। और टोटल रूम नाइट्स अगर हम देखें तो वो बढ़कर हो चुका है 41,20,000। और टोटल कंपनी डिविडेंड प्रपोज करती है इन कंपैरिजन टू जो भी इसकी फेस वैल्यू है उसके ऊपर 50% डिविडेंड कंपनी प्रपोज करती है मार्केट में उसके जो भी शेयर होल्डर्स है उसके ऊपर। अब बात कर ले कंपनी का इबिटडा मार्जिन एक्सपेंशन, अब उसमें आपको किस तरह का ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है, तो वो भी पिछले साल था 230 बेसिस पॉइंट, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है ऑलमोस्ट डबल 406 बेसिस पॉइंट हो चुका है। बात कर ले कंपनी के इम्प्रूव्ड गेयरिंग मार्जिन्स के बारे में, दैट इज उसमें आपको थोड़ा डाउन ट्रेंड भले ही देखने को मिल रहा है बट कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। दैट इज 2019 में वो था 2.9 11%, जो कि इस साल घटकर हो चुका है 1.74%। अब हम देख लेंगे कंपनी के कन्वर्जन रेट ग्रोथ कितना है इन कंपैरिजन टू पिछले साल। अगर समझ लो मैंने आपको पहले ही बोला कि कोई भी कस्टमर इसके पास आता है तो उसमें से 100 कस्टमर्स में से 25% ऑफ कस्टमर्स ये बिजनेस या ये होटल्स ज़रूर प्रीफर करते हैं। फिर से बात कर ले कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो रेवेन्यू में भी आपको 9% ऑफ ग्रोथ देखने को मिला है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपको भले ही 4% डिक्रीमेंट देखने को मिला है बट ऑल द कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी खासी मेंटेन हो रही है। अब बात कर लेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, तो डेट इज कंपनी डेट इज IHCL की जो पॉलिसी है वो है रिसेट पॉलिसी। उसका मतलब क्या हो गया, रेवेन्यू ग्रोथ, कंपनी कौन कौन से चीज़ पे अपने ध्यान रखती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक्सपेंड करने के लिए, तो वो जो कोड निकल कर आता है वो है रिसेट। रिसेट मतलब क्या हो गया, कंपनी किस किस चीज़ों पर अपना ध्यान देती है, वो है रेवेन्यू ग्रोथ, एक्सीलेंस इन गेस्ट वेलबींग एक्सपीरियंस एंड ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या हो, कंपनी के जो भी गेस्ट या कंपनी के जो भी कस्टमर्स जो भी मार्केट में अगर इंडियन होटल्स प्रीफर करते हैं तो उसको बेस्ट सर्विस दे सके, और जो भी कॉस्ट होगी दैट इज स्पेंड ऑप्टिमाइजेशन, जो भी लोगों को अगर समझ लो होटल में आना हो या नाइट बितानी हो या फिर टाइम पास करना हो तो उसके अंदर जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो भी स्पेंड ऑप्टिमाइजेशन है। इफेक्टिव एसेट मैनेजमेंट और थ्रिफ्ट एंड फाइनेंस प्रूडेंस, तो इन सब चीज़ों के बारे में IHCL ध्यान रखती है। बात कर ले कंपनी के बारे में, तो टोटल कंपनी के ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अगर आप ट्रेंड देखोगे तो वो था 2019-20 में टोटल ट्रेन 1893 एम्प्लॉय ट्रेन है, उसमें से SC ST जो भी यूथ है वो है 212 और टोटल एब्जॉर्ब्ड है 140 और टोटल SC ST यूथ एब्जॉर्ब नए जिसको लिए है वो हो चुके बढ़कर 26 एम्प्लॉयज। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है कंपनी करंटली मार्केट में कितने पे ट्रेड हो रही है, तो बात कर ले कंपनी का शेयर दैट इज़ इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड दैट इज इंड होटल, वो कंपनी का जो शेयर है वो है 111.80 रुपीज़ पे कंपनी का शेयर मार्केट में ट्रेंड हो रहा है। और बात कर ले कंपनी के 5-year high के बारे में तो वो है 164.30। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो अगर आपको ये शेयर 100 रुपीज़ के नीचे अगर आपको मिल जाए तो आप इसको डीप में बाय करना पसंद ज़रूर करोगे। अगर आप करंट मार्केट प्राइस 100 के ऊपर भी आप इसको इस शेयर को उठाते हो फॉर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव या अच्छा खासा रिटर्न आपको देखते हो तो आपको 50-60% आपको रिटर्न 2-3 साल में आपको आराम से देखने को मिल सकता है। पर फिर भी आपको अगर होटल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना हो तो आपकी मर्ज़ी, आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं या आपके पास और कोई अलग स्कोप भी है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इन्वेस्टमेंट पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना है या नहीं। हमने कंपनी का जो भी फंडामेंटल टेक्निकल, कंपनी की जो भी सब्सिडरीज है मार्केट में, किस तरह से कंपनी बिजनेस करती है, किस तरह से कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है, उस सब चीज़ों के बारे में हमने एनालिसिस आपके सामने कर दिया है। तो होप करता हूँ कि आपको इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड का जो भी हमने एनालिसिस किया वो आपको पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और आप अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।